सब्सक्राइब करें ट्रेडिंग चाणक्य चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य के यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। तो शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों 7 जनवरी 2019 की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स है स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल मार्केट की, साथ में देखेंगे निफ्टी के ऊपर इंट्राडे टेक्निकल दोस्तों क्या कह रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली अपडेट से। अपडेट आ रही है दोस्तों पहली लुपिन से। लुपिन को लुरासिडोन हाइड्रो क्लोराइड की गोलियों के लिए USFDA से मंजूरी मिल गई है। इस दवा का उपयोग डिप्रेशन को कम करने या उससे संबंधित बीमारियों के लिए किया जाता है। शेयर 1% की गिरावट के साथ दोस्तों बंद हुआ। अगला दोस्तों अपडेट है ONGC से। ONGC ने 6,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। इस निवेश के द्वारा ONGC असम में अगले 7 सालों में 200 से अधिक कुओं की ड्रिलिंग करेगी और शेयर जो है वो 1.75% की बढ़त के साथ दोस्तों बंद हुआ। अगला अपडेट आ रहा है इंडियन ऑयल से। कंपनी ने लगभग 150 करोड़ डॉलर जुटाने की योजना बनाई है। कंपनी अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड बाजार में विदेशी बॉन्डों की बिक्री के द्वारा ये राशि जुटाएगी। शेयर 0.5% की गिरावट के साथ दोस्तों बंद हुआ। लास्ट दोस्तों आज अपडेट है वो है बंधन बैंक से। बंधन बैंक ग्रे फाइनेंस के साथ विलय के लिए मंजूरी मिल गई है और जो 1000 ग्रे फाइनेंस के शेयरों पर बंधन बैंक के 568 शेयर दोस्तों मिलेंगे लोगों को। तो आप ध्यान रखिएगा अगर आपके पास शेयर अवेलेबल है ग्रे फाइनेंस के तो उसके बाद आपको बंधन बैंक के 568 शेयर मिलेंगे। बात कर लेते हैं निफ्टी का क्या टेक्निकल बन रहा है निफ्टी 50 का। दोस्तों ये हमने लगाई थी 2 लक्ष्मण रेखाएँ प्रीवियस ट्रेडिंग डे पे यानी फ्राइडे को हमने लगाई थी ताकि हम आज की प्रेडिक्शन कर सके। तो आज दोस्तों मार्केट ने काम तो बखूबी करा लेकिन मार्केट आज गैप अप में ओपन हो गया, यानी इतना ज़्यादा ऊपर ओपन हो गया कि हमें खरीदने का मौका नहीं मिलता अगर आप इस रेजिस्टेंस लाइन का यूज़ करते हुए काम करते हैं। अगर आप देखें तो आज आपको कोई खरीदने का मौका नहीं मिलता क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा आ गया था। हालांकि मार्केट उसके बाद डाउन ही गई है, पूरे दिन से मार्केट नीचे गई है, लेकिन आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा एक मौका बनता लेकिन टाइम इतना हो गया था उसके बाद ट्रेडिंग डिसीजन लिया नहीं जा सकता। तो अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे क्या हो सकता है, जब अगली बार मार्केट खुलेगी तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो दोस्तों दिख तो रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड अभी जो चल रहा था शॉर्ट टर्म में जो डाउन चल रहा था वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बाकी देखते हैं। और जो रेजिस्टेंस है वो टूटना चाहिए। अगला रेजिस्टेंस दोस्तों हमारे पास है ये वाला लेवल, ये है दोस्तों 10,810। ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो ऑब्वियसली बात है कि मार्केट सस्टेन भी करना चाहिए और ऊपर भी जाना चाहिए। और जो हमारा सपोर्ट लेवल अब बनता है, सपोर्ट लेवल थोड़ा सा हम ऊपर लेंगे और ये लेवल आ जाएगा 10,750, 10,750 एक सपोर्ट लेवल आ जाएगा। तो ये इन दोनों लाइनों का आप यूज़ करते हुए देखिए नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे एज ए डेमो ट्रेडिंग कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या सिचुएशन बन रही है। और उसके बाद हम जो ट्रेंड लाइन जो हमने यहाँ पर ड्रॉ करी हुई थी प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से, वो ट्रेंड लाइन हम नए ट्रेंड के हिसाब से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें एक बार पीक थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि पीक कहाँ से कहाँ तक पीक दे करके मार्केट ऊपर उठ रहा है, उसके बाद से विज़न जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। किसी वीडियो को सजेशन देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम पूरी कोशिश करते हैं आपके सजेशन के ऊपर वीडियो बनाई जाए। और तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।